सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ डार्क शूटर। तो हर एक दिन के जैसा इस वीडियो में आपको बताएंगे हम पायरेट ट्रेजर हंट बॉस की लोकेशन के बारे में, डे 9। सो आज जैसे कि आपको पता होगा कि आज डे 9 है, तो आज आप लोग भी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे पायरेट ट्रेजर बॉक्स, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि वो पायरेट ट्रेजर हंट बॉक्स किधर है। तो चलो इस वीडियो में आज आपको बताएंगे वो बॉक्स किधर है, कहाँ आपको मिलने वाले वो बॉक्स। तो चलो आपको डायरेक्ट ले जाते हैं लोकेशन पर। तो जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिलहाल केप टाउन और कोटाटुआ का जो बीच का लोकेशन है, एकदम केप टाउन का ई का बीच, मतलब ई का जो 90 डिग्री एंगल है उसके पीछे, मतलब ई का नीचे जो लोकेशन है वहाँ पर आपको एक लोकेशन मिल जाएगा आज का ट्रेजर हंट बॉक्स का। तो जैसे आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, हम लोग पहले डिग कर लेते हैं, डिग का मतलब है खुदाई कर लेते हैं, ताकि हमको मिल जाए पायरेट ट्रेजर हंट बॉक्स, जो कि आने वाले, जो कि अभी इवेंट जो चल रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है जो हमको कलेक्ट करना ही है। तो चलो हम लोग फटाफट उसको डिग करके कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसे कुछ घुमाएगा आपको, जैसे कि आपको दिख रहेगा अभी ये कुछ घुमा रहे हैं हर एक दिन के जैसा। तो आई थिंक ये बहुत सारे बंदे को पता चल गया होगा, लेकिन आज हम लोग वीडियो थोड़ा लेट डाल रहे हैं थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से। तो चलो हम और दो तीन बार डिग करके ट्रेजर हंट बॉक्स को कर लेते हैं कलेक्ट, ताकि आप लोगों को भी आसानी से मिल जाए ट्रेजर हंट बॉक्स। तो जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक और डिग करने के बाद हमको मिल चुके हैं ट्रेजर हंट बॉक्स का जो है, मतलब बॉक्स मिल चुका है पायरेट ट्रेजर हंट बॉक्स। आज डे 9 है गाइस, और आप लोग यार फटाफट कलेक्ट कर लो। अगर अभी भी आपने कलेक्ट नहीं कर रखे हो तो यार कलेक्ट कर लो यार, वीडियो को अगर देख कर कलेक्ट करते हो या फिर आपको अभी तक पता नहीं था ये कहाँ है, तो यार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया कहाँ है लोकेशन, तो यार जाओ जल्दी शेयर करो। तो आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया होगा लाइक कर दो, और ज़रूर दोस्तों से शेयर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।